Welcome to another episode of fin School by किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसा कर रही है उसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी की मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है ये डिटेल्स जानने के लिए आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी

उससे यह भी पता चल सकता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर नंबर थ्री कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा है ओवर द ईयर्स नंबर फोर कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट्स कौन से हैं नंबर फाइव कंपनी के मेजर एक्सपेंसेस क्या हैं एंड नंबर सिक्स मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या प्लान कर रही है एनुअल रिपोर्ट स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइडेड होती है important parts of the report are number 1 director report director report companies ke directors prepare karte hain to give details about the current financial conditions the future plan of the company which new products they plan to launch if they wish to diversify and company ka status and position in current market हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वर्सेस इट्स कंपेटिटर्स। नंबर टू ऑडिटर ये रिपोर्ट इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंडीशन बताती है हर कंपनी के फाइनेंशियल एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू करता है टू स्टेट दैट दीज नंबर आर करेक्टली डिटिक्टेड अगर ऑडिटर को कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो ऑडिटर रिपोर्ट में एज ओपिनियन एंड मटेरियलिटी करके मेंशन किया जाता है इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि सारे इन्वेस्टर्स ऑडिटर रिपोर्ट्स जरूर देखें बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट कॉल नंबर थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एनुअल रिपोर्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप सब डिटेल्स पता कर सकते हैं जैसे कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है कौन से एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग में कितना स्पेंड किया है प्रॉफिट कितने हैं कंपनी के। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के सारे फाइनेंशियल डिटेल्स देता है तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इस सेक्शन में पीएनएल स्टेटमेंट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कंपनी का बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो आपको बताएगा कि वॉट कंपनी ओन एंड वॉट इट ओज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट विच टेल्स यू कितना कैश आया है और कितना गया है नंबर फोर शेड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट्स यह सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही देखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे डिटेल्स शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स में कवर होते हैं शेड्यूल्स में आपको वेरियस फाइनेंशियल कंपोनेंट्स का फर्दर ब्रेकडाउन एंड रीजनिंग मिलता है एंड नोट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करता है जैसे कि कंपनी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है कंपनी की कोई और कंटिजेंट लायबिलिटी है या नहीं एंड अदर डिटेल्स लाइक लेबर के साथ आप क्या पॉलिसीज फॉलो करते हैं एंड कंपनी की कौन सी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अगर कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज अनपेड हैं या नहीं मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय फाइव पैसा के अगले एपिसोड में बाय